तो आप देखिए इस वीडियो से हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि एक डायरेक्टली हम एक सैम्पल पेपर यहाँ पे सॉल्व करें और सैम्पल पेपर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन पेपर तो हमारा सॉल्व होगा ही साथ ही में इसमें जितने भी टॉपिक्स हमारे आएंगे उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो थर्टी मार्क्स का है एंड नाइन्टी मिनट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं इसे सॉल्व करने के लिए तो आपके पेपर में यहाँ पे तीन सेक्शन है सेक्शन है जिसमें कि आपके ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हैं जिसमें केवल आपको ट्वेंटी यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं सेक्शन बी में भी आपके ट्वेंटी फोर यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें केवल आपको ट्वेंटी अटैम्प्ट करने हैं एंड सेक्शन सी आपका एक केस स्टडी बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन होगा जिसमें सिक्स क्वेश्चन होंगे जिसमें से केवल आपको फाइव यहाँ पे अटैम्प्ट करने हैं तो ये तो चॉइसेज आपको पेपर में मिल जाएंगी वो तो आप देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली सेक्शन ए से तो इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैलिड आइडेंटिफायर यानी कि इन चारों से आपका वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा है तो आइडेंटिफायर सबसे पहले क्या होते हैं जो कि आपके नेम्स होते हैं जो कि यूजर आपका देता है तो हम फ़ंक्शन का नेम देते हैं एंड आपका वेरेबल का भी हम नाम देते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें जो पास है ब्रेक है एंड वाइल है ये तीनों ही आपके कीवर्ड होते हैं वाइल आपका एक कीवर्ड है लूप में इस्तेमाल होता है ब्रेक स्टेटमेंट है एंड पास आपका एम स्टेटमेंट होता है तो करेक्ट आंसर आप आपका यहाँ पे टुडे अंडर स्कोर होगा क्योंकि आपका जो आइडेंटिफायर है ये आपका किसी भी अंडर स्कोर से या लेटर से स्टार्ट हो सकता है तो आई होप आपका आंसर यहाँ पे मिल गया होगा आपका बी आपका आंसर है देन क्वेश्चन नंबर टू गिवन एंड ऑब्जेक्ट तो एक वेरिएबल हमको यहाँ पर दिया हुआ है ओ बी जे इक्वस टू एंड देन पेरेंसेसिस के अंदर ट्वेल्व कॉमा तो ये देखिए जब भी यहाँ पर आपका कॉमा आपका बन जाता है एंड पेरेंटिस भी आपके होते हैं तो ये आपका टपल यहाँ पे बनता है तो ये टपल है ना कि ये इंटीज़र होगा अगर यहाँ पे कॉमा नहीं होता केवल पैरेंथिस होते फिर ये आपका क्या बन जाता फिर ये आपका इंटीजर यहाँ पे हो जाता एंड डिक्शनरी तो आपको ऑलरेडी शायद पता हो इसमें की वैल्यू पेयर होते हैं इंड स्ट्रिंग आपका सिंगल या डबल कोर्स के अंदर लिखी जाती है देन क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द आउटपुट ऑफ ऑब्जेक्ट वन माइनस थ्री तो माइनस वन माइनस थ्री इंडेक्स नंबर से आपका कौन सा एलिमेंट हमारा प्रिंट होगा वो हमें यहाँ पे देखना है या कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट वन में ये आपको एक टपल दी हुई है तो इसमें केवल आपको इंडेक्सिंग देखनी है तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग जीरो वन टू एंड सो ऑन इस तरीके से चलता है एंड जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो माइनस वन पे एटी नाइन है माइनस टू पे सेवेंटी एट माइनस थ्री पे सिक्सटी सेवन तो यहाँ पे सिक्सटी सेवन यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा देन क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू नॉट करेक्ट इन टेक्स्ट फाइल यानी कि टेक्स्ट फाइल में यहाँ पे कौन सा आपका इनमें से स्टेटमेंट हमको देखना है कि टेक्स्ट फाइल में कौन सा एप्लीकेबल नहीं है कौन सा इनकरेक्ट है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पिकल मॉड्यूल इज़ यूज्ड फॉर फाइल ऑपरेशन तो पिकल मॉड्यूल तो आपको पता है ये आपका बाइनरी फाइल के लिए इस्तेमाल होता है देन डेटा इज स्टोर्ड इन ह्यूमन रिडेबल फॉर्म तो ये करेक्ट है बोथ ए एन बी हमारा नहीं हो सकता नन ऑफ नन ऑफ द अब भी नहीं हो सकता तो पिकल मॉड्यूल जो है वो यूज़ नहीं होता है तो ये ही इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट यहाँ पे है टैक्स फाइल में क्योंकि इसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं पिकल मॉड्यूल हमारा यूज़ होता है बाइनरी के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में तो फॉर रीडिंग फर्स्ट फाइव करेक्टर या करेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट फाइल वी विल यूज़ हमको अगर केवल पांच करेक्टर रीड करने हैं टेक्स्ट फाइल से फर्स्ट फाइव करेक्टर तो उसके लिए हम क्या कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम रीड को इस्तेमाल करेंगे तो ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि इससे कम्प्लीटली आपका जितना भी डेटा है टेक्स्ट फाइल में वो रीड होता है रीड लाइन से केवल सिंगल लाइन रीड होती है रीड फोर से भी नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल फोर करेक्टर रीड होंगे तो रीड फाइव आपका करेक्ट है यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है देन क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल तो यहाँ पर देखिए वैसे तो फाइल नहीं दी है कौन सी फाइल तो रीडिंग तो इससे भी हो जाएगी फाइल को ओपन किया एंड हमने उसमें रीड आपका किया एंड ये आपका नहीं होगा क्योंकि फाइल तो ओपन हो गई लेकिन राइट मोड है एंड इसमें राइट इन बाइनरी मोड है यहाँ पे एक डबल कोर्ट्स मैं कंप्लीट कर लेता हूँ उसको तो यहाँ पे डबल कोर्ट्स भी आएगा देन आपका रीडिंग फ्रॉम बाइनरी फाइल तो देखिए यहाँ पे टी एच टी है क्योंकि काफ़ी जगह डी ए टी डॉट बी आई एन भी हम लिखते हैं एक्सटेंशन में बाइनरी में तो करेक्ट आंसर इसका आपका ये यहाँ पे होगा लेकिन अगर यहाँ पे बाइनरी फाइल होता तो आपका यहाँ पे आर वी करेक्ट आंसर होता देन क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड द करेक्ट मोड फॉर रीडिंग इन बाइनरी फाइल या फ्रॉम बाइनरी फाइल बाइनरी फाइल से रीड करने के लिए करेक्ट हमारा मोड कौन सा है तो बाइनरी फाइल से हमने रीड करना है तो आर बी मोड आपका होगा यानी कि W केवल आपका राइट होता है R आपका रीड होता है लेकिन बाइनरी से रीड करना है तो उसके लिए हम आर बी यहाँ पर लिखते हैं देन क्वेश्चन नंबर एट डैश फंक्शन इज़ यूज टू कन्वर्ट डेटा इन टू इंटीज़र फॉर्म तो इंटीजर फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे देखिए फ्लोट float आपका फ्लोटिंग पॉइंट में करेगा इनपुट से तो हम रीड करते हैं डेटा को स्ट्रिंग के फॉर्म में लिस्ट से हम लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं किसी भी सीक्वेंस को तो इसका करेक्ट आंसर आपका इंटीज़र यहाँ पे होगा यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन है देन क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर तो इसमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा नहीं है जी तो ये तो आपका एडिशन है देन आपका एक्सपोनेंट या रेज टू पावर है देन मल्टीप्लीकेशन है तो तीनों ही किसके पार्ट हैं अर्थमैटिक के हैं तो लास्ट वाला आपका नहीं है लेस देन जो है तो ये आपका होता है कंपेयर के लिए तो ये कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर हमारा है तो यही आपका पार्ट नहीं है अर्थमेटिक ऑपरेटर का तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी यहाँ पे होगा दैन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इस्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन टर्म्स ऑफ बाइंडरी फाइल यानी कि बाइंडरी फाइल के टर्म्स में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है तो सी एस बी मॉड्यूल यूज़ नहीं होता ये सी एस बी फाइल या कॉमर्स सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल में इस्तेमाल होता है एंड रीड फंक्शन भी नहीं होता इसको हम uh, यूज़ करते हैं आपका टेक्स्ट फाइल में देन ऑप्शन सी जो है पिकल मॉड्यूल जो है वो यूज़ होता है इस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं ताकि फाइन जो बाइनरी के हमारे फंक्शन हैं लोड एंड डंप उनको हम यहाँ पर यूज़ कर सकें तो सी इसका करेक्ट होगा देन क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाइनरी फाइल यानी कि बाइनरी फाइल के बेसिस पे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है तो पिकल मॉड्यूल यूज़ होता है बाइनरी फाइल में ये आपका करेक्ट है इसके अलावा बाकी भी हम देख लेते हैं बाइनरी फाइल जो है वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पे डेटा को स्टोर नहीं करता वो केवल टेक्स्ट फाइल करता है बाइनरी फाइल का जो एग्जीक्यूशन है वो स्लोअर होता है टैक्स फाइल से तो ये गलत है क्योंकि बाइनरी फाइल का एग्जीक्यूशन आपका फास्ट होता है टैक्स फाइल के मुकाबले और टेबुलर फॉर्म में स्टोर नहीं होता क्योंकि वो सी फाइल में स्टोर होता है वट इज़ द यूज़ ऑफ़ टेल फंक्शन तो टेल फंक्शन का इस्तेमाल क्या है इट मूव्स फाइल पॉइंटेड टू एंड ऑफ फाइल देखिए फाइल में आपका रेंडमली एक्सेस करने के लिए सी कैन टेल दो फंक्शन हमारे यूज़ होते थे तो टेल फंक्शन करेंट लोकेशन आपका बताता है तो इट मूव्स फाइल पॉइंटर टू एंड ऑफ फाइल ये नहीं होता जी इट टेल्स टाइप ऑफ फाइल तो टाइप ऑफ फ़ाइल भी नहीं बताता और ये अल्टरनेटिव भी नहीं है सी फंक्शन का तो लास्ट इसका ऑप्शन ऑप्शन डी इसका सही होगा इट रिटर्न्स द करेंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर यह फाइल पॉइंटर की जो करेंट लोकेशन है उसको बताता है या पोजीशन को बताता है देन क्वेश्चन नंबर थर्टीन व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओ बी जे ओ बी जे यहाँ पर एक आपका वेरिएबल है तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये बताना है तो ये देखिए एक तो यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल इस्तेमाल हुआ है और तो जो हमको रैंडम नंबर्स को जनरेट करने में हेल्प करता है एंड रैंड जो है ये आपका इंटीजर वैल्यू को जनरेट करेगा कौन सी इंटीजर वैल्यू देखिए इसमें दो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर यहाँ पे दिए हैं तो वन एंड फिफ्टीन तो इसमें देखिए ये कोई भी वैल्यू जनरेट कर सकता है वन टू फिफ्टीन के बीच में या इन दोनों को भी इंक्लूड करेगा यानी कि वन से फिफ़्टीन तक कुछ भी ये जनरेट करेगा तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है रैंडमली वन हो सकती है एंड मैक्सिमम यहाँ पर फिफ्टीन हो सकती है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है देन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन तो ईजी है केवल आपने एक्सपेंड यहाँ पर करना है तो सी का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया था कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ आपका होता है देन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आर प्रेजेंट इन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जी कहाँ पे होते हैं तो देखिए डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो आपके होते हैं वो आपका तब एग्जीक्यूट होते हैं जब हम फंक्शन के कॉलिंग के दौरान कम हम आर्ग्यूमेंट दें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो आपके एग्जीक्यूट होती हैं तो वो कहाँ पे होंगी हेडर में या डेफिनेशन अगर यहाँ पे होता तो फंक्शन डेफिनेशन में या मेन हेडर ही उसको हम बोलेंगे तो हेडर पार्ट में ही आपका एक डेफ की होता है फंक्शन का नाम भी होता है एंड वहीं पर आपके डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी होते हैं कॉलिंग में नहीं होते यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर होते हैं और मेन फंक्शन में भी नहीं होता है देन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फाइंड द करेक्ट फंक्शन कॉल इनमें से करेक्ट फंक्शन कॉल कौन सी है तो देखिए जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका नेम आता है तो देखिए यहाँ पे तो कॉल स्टूडेंट है तो ये तो नहीं होगा यहाँ पे नेम है लेकिन यहाँ पे आपके जो ब्रैकेट हैं वो बिग ब्रैकेट हैं जबकि हमारे पेरेंट ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट होने यहाँ पे चाहिए तो ये आपका करेक्ट है यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है देन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन फाइंड द करेक्ट फंक्शन हैडर तो इसमें से करेक्ट फंक्शन हेडर हमारा कौन सा है जी तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले डेफ कीवर्ड सभी में है नेम भी सबका करेक्ट है अगर किसी कोई का नेम अगर नंबर से स्टार्ट यहाँ पे होता तो वो भी आपका इनकरेक्ट होता तो हमको यहाँ पे देखिए अभी तो तो आपके सही हैं नेम एंड डेफ की के बेस पे तो यहाँ पे आपको जज करना है सभी में आपका कोलन भी है तो यहाँ पे देखिए आपका बिग ब्रैकेट है तो ये तो नहीं होगा अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है लेकिन यहाँ पे देखिए जो आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है ये आपका यहाँ पे पीछे चला गया एक्चुअल ये सॉरी मैंडेटरी या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट तो मैं तो मैंडेट्री के मैंडेट्री uh, कभी भी आपका पीछे नहीं जाता ये सबसे पहले आपका आता है उसके बाद फॉलो करते हैं जो आपके डिफ़ॉल्ट आर्गमेंट हैं तो ये भी आपका इनकरेक्ट है अब देखिए ये वाला आपका करेक्ट है इसमें आपका एक मैंडेट्री है दो डिफ़ॉल्ट हैं तो डिफॉल्ट हमेशा पीछे होते हैं तो ये आपका करेक्ट फंक्शन हैडर है ये भी नहीं है क्योंकि इसमें भी मैंडेट्री आपका लास्ट में आ गया है देन व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट डेलीमीटर इन सी फाइल यानी कि डेलीमीटर क्या होता है यानी कि सी फाइल में जो आपका डेटा है वो किससे हम सेपरेट करते हैं तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इसका फुल फॉर्म ही है तो कॉमा ही इसका आंसर होगा तो डी इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा देन आपका डैस मॉड्यूल इज़ यूज फॉर लोड एंड डंप तो ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लोड एंड डंप बाइनरी फाइल में यूज़ होता है एंड बाइनरी फाइल के लिए हमारा पिकल मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ होता है मैथ आपका और फंक्शंस में यूज़ होता है रैंडम रैंडमली नंबर्स को जनरेट करेगा एंड सी एस बी आपका कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ जो है उसके लिए इस्तेमाल होता है तो पिकल हमारा यूज़ होगा लोड एंड डम्प के लिए देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी डैश विल रीड सिंगल लाइन फ्रॉम टेक्स्ट फाइल अगर टेक्स्ट फाइल से एक सिंगल लाइन लाइन को हमने रीड करना है तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो सिंपल है आपका रीड लाइन यहाँ पे यूज़ होता है रीड लाइन से सभी लाइन्स हमारी आपका रीड हो जाती हैं जो कि लिस्ट के फॉर्म में हम रखते हैं और रीड से पूरा डेटा एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में हमारा रीड हो जाता है देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सिंबल यूज टू गिव कमेंट इन पाइथन तो कमेंट तो सिंपल है जी आपका यहाँ पे है सिंबल होगा बाकी आपके यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं करेक्ट एक्सटेंशन फॉर पाइथन फाइल तो डॉट पी वाई आपका यहाँ पे करेक्ट एक्सटेंशन होता है टैक्स फाइल होता तो क्या हो जाता डॉट टी एच डी यहाँ पे हो जाता क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच सिम्बल इज़ यूज टू गिव इंडेंटेशन इन पाइथन तो इंटेंट देने के लिए यहाँ पे कौन सा हमारा यूज होता है तो इंडेंटेशन के लिए कूलन हमारा यूज होता है फाइंड द इनकरेक्ट रिलेशनल ऑपरेटर इनकरेक्ट रिलेशनल ऑपरेटर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो देखिए इनकरेक्ट रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा हो गया तो इनकरेक्ट हमारा देखिए ये तो करेक्ट है लेस देन नॉट इक्वस टू हो गया इक्वस टू इक्व टू हो गया ये सब तो रिलेशनल है यानी कि कंपेयर इनसे हम करते हैं दो वैल्यूज़ को लेकिन जो ये है ये हमारा असाइन ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है जिससे कि एक वैल्यू को हम असाइन करते हैं किसी भी वेरेबल के अंदर देन नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के लिए इनमें से कौन सा हमारा यूज़ नहीं होता है तो एक्सप्लिसिटली जब हम किसी भी डेटा वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए उसको हम फंक्शन से कर सकते हैं जैसे फ्लोट से हम फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं मेनली इनपुट के साथ यूज़ होता है एच से हम स्ट्रिंग में करते हैं एंड इंट से हम इंटीजर में करते हैं तो करेक्ट आंसर इसका रैंडम होगा क्योंकि ये हमारा कन्वर्ट नहीं करता ये रैंडमली किसी भी नंबर को जनरेट हमारा करता है तो अब हम सेक्शन बी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड तो इस कोड का आउटपुट हमको यहाँ पे देना है तो यहाँ पे ए ना एक वेरिएबल ए यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसमें कि एक लिस्ट हमको दी है जो कि नेस्टेड टाइप आपकी लिस्ट है तो ए टू पे या इसके सेकेंड इंडेक्स नंबर पे हमने हंड्रेड यहाँ पे पुट किया है तो यहाँ पे देखिए जीरो इंडेक्स नंबर पे थर्टी फोर देन फिफ्टी फोर देन जो आपका सेकंड इंडेक्स नंबर पे है वहाँ पे एक सब लिस्ट आपकी यहाँ पे है या नेस्टेड लिस्ट आपकी है तो जब हम माइनस टू प्रिंट करते हैं तो लिस्ट में आपको पता है यहाँ पर आपका एक बार इसका अगर लिस्ट को हम क्रिएट भी कर लें तो बाद में उसमें हम चेंजेज कर सकते हैं तो माइनस वन पे फोर्टी टू एंड माइनस टू पर आपका यहाँ पर आ जाएगा हंड्रेड तो इसका आउटपुट आपका हंड्रेड होगा यानी कि बी इसका करेक्ट ऑप्शन है देन आइडेंटिफाइड द आउटपुट ऑफ़ द फॉलोइंग कोड इसका आउटपुट हमें निकालना है तो यहाँ पे सिंपली हमने वाइल लूप रन किया जो कि स्टार्ट हो रहा है फाइव से जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि फ़ाइव हमेशा ही ग्रेटर देन होना चाहिए वन से या एक्स की वैल्यू जब हम इसमें चेंजेज करेंगे तो हमेशा जब भी इसकी वैल्यू या वन हो या उससे ज़्यादा हो तब तो यह आपका चलने वाला है तो यहाँ पर देखिए इसमें सिंपल है सबसे पहले हम एक्स को प्रिंट कर रहे हैं देन उसको हम एंड कर रहे हैं है से यानी कि सेम लाइन पर आपका रिजल्ट आएगा एन एक्स को हम माइनस वन भी यहाँ पे दे रहे हैं तो सबसे पहले फाइव देन हैज़ देन फोर देन हैज़ देन थ्री हैज़ देन टू हैज़ एंड वन हैज़ तो इसका भी सिंपल आपका यहाँ पे आंसर है कि फाइव फोर थ्री टू वन ये आपका होगा लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट में हैज़ आपका नहीं है तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला यहाँ पे होगा क्योंकि देखिए हर बार आपका एंड पे हैज़ भी हमने यहाँ पे लगाया है तो सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आइडेंटीफाइड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड तो इस कोड का हमने यहाँ पे आउटपुट जो है वो हमने देखना है तो फॉर वेरिएबल इन एक सीक्वेंस हमको दिया है तो फॉर पी इन वन टू थ्री फोर एक लिस्ट हमको दी है तो इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं वो हर बार एक बार यहाँ पे वैल्यू बनते हैं पी के यानी कि पी में सबसे पहले इंडेक्स नंबर जीरो में जो है यानी कि वन वो आएगा देन टू देन थ्री देन फोर तो हर एक नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं टू से तो सबसे पहले वन जब मल्टीप्लाई होगा तो टू देन फोर देन सिक्स देन ऐट तो टू फोर सिक्स एट आपका आएगा एंड उसके एंड पे हैज़ भी आपका चाहिए तो टू फोर सिक्स एट एंड सबके पीछे हैज़ भी है तो ये आपका करेक्ट यहाँ पे आउटपुट हो, um, होगा ऑप्शन होगा यानी कि आपका ए यहाँ पे करेक्ट है देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन तो इसमें देखिए सपोज द कंटेंट या ऑफ टेक्स्ट फाइल यहाँ पे कंटेंट आएगा सॉरी यहाँ पे कंटेंट में लिख देता हूँ सपोज कंटेंट कंटेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑफ टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट फाइल का जो कंटेंट है फाइल का नेम है स्टूडेंट और टी तो ये उसका कंटेंट है वट विल बी द आउटपुट तो इसका कंटेंट ये है तो आउटपुट हमको यहाँ पे निकालना है फाइल से हमने रीडिंग यहाँ पे किया एंड फर्स्ट फाइव करेक्टर हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं एंड देन उसकी लेंथ हम यहाँ पे फिगर आउट कर रहे हैं तो लेंथ आपका सिंपल है यहाँ पे केवल फाइव हमने करेक्टर रीड किए हैं तो लेंथ भी ऑब्वियसली हमारी यहाँ पे फाइप होगी क्योंकि तो लेंथ जो है ये बताता है कि करेंट यहाँ पे लेंथ कितनी है किसी भी सीक्वेंस की तो यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा को रीड करता है तो पांच करेक्टर रीड होंगे तो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी फ़ाइप यहाँ पे होगी देन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइंड द आउटपुट आउटपुट हमको इसका निकालना है तो एक लिस्ट हमको यहाँ पे दी है एंड हमने कहा ए काउंट यानी कि इस लिस्ट में हम काउंट कर रहे हैं सबसे पहले लिस्ट का नाम देन काउंट फंक्शन एंड सेवन यहाँ पे कितने बार है वो हमने काउंट करना है तो कितने बार सेवन है टू टाइम्स हमारा सेवन है तो सिंपल सा है टू इसका यहाँ पे आउटपुट होगा देन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन करण इज़ ट्राइंग टू राइट एन ऑब्जेक्ट करण एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख रहा है ये एक ऑब्जेक्ट है यानी कि डेटा हमारा है जिसको बाइनरी फाइल में लिखा जाना है टुडे डॉट डी ए टी कंसीडर द फॉलोइंग कोड रिटर्न बाय हिम तो उसने एक कोड लिख दिया है लेकिन उसको हमने यहाँ पे हेल्प करनी है जो मिसिंग कोड है आइडेंटिफाई द मिसिंग कोड इन स्टेटमेंट वन तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फाइल को ओपन किया देन एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया या डेटा ले लिया देन आपका फाइल को हमने ओपन किया तो यहाँ पर हमने देखिए फाइल में उसने डेटा को लिखना है तो यहाँ पे केवल मोड हमने यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे मोड आएगा और कौन सी फाइल है बाइनरी फाइल है तो मोड हमारा आएगा यहाँ पे राइट right मोड और लिखना है बाइनरी मोड में तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डब्लू बी तो डब्लू बी यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और बाइनरी फाइल में परफॉर्म कर रहे हैं केवल डब्ल्यू नहीं होगा ये आपका टेक्स्ट फाइल में होता है एंड आर बी भी नहीं होगा क्योंकि इससे रीडिंग आपकी होती है देन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू आइडेंटिफाइड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड तो आउटपुट मैं इसको पूरा लिख देता हूँ आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड तो इस कोड का आउटपुट हमको यहाँ पे निकालना है तो एक लिस्ट दी हुई है जिसमें कि मिनिमम क्या है इस लिस्ट में और मैक्सिमम क्या है उन दोनों को हमने यहाँ पे उसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म किया मल्टीप्लिकेशन का तो इस लिस्ट में मिनिमम फंक्शन हमको क्या देगा वन एंड मैक्सिमम हमको यहाँ पे दे देगा सिक्स तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ गया वन इंटू सिक्स आपका सिक्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है देन आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इस कोड का आउटपुट हमें निकालना है तो सेक्शन बी में मेनली आपको यहाँ पे आउटपुट वाले जो क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेपचुअल क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट जिसके लिए आपको आना चाहिए वो यहाँ पे पूछे जाते हैं तो इसका भी आउटपुट हमको यहाँ पे निकालना है तो डेफ एक फंक्शन हमको यहाँ पर क्रिएट करके दिया हुआ है जिसमें एक मैंडेटरी यहाँ पर पैरामीटर है एक डिफॉल्ट पैरामीटर भी है जिसकी वैल्यू ट्वेंटी यहाँ पर है तो हमने प्रिंट किया एंड यहाँ पर हमने टू यहाँ से सेंड किया है तो ए पे तो आपका टू आएगा एंड बी पे आपका ट्वेंटी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ से रिटर्न वैल्यू को किया है रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी सिंपल है फोर्टी आपका आ जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर आपका फोर्टी यहाँ पे है देन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर अब हम देखते हैं आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड तो ये भी हमारा आउटपुट वाला यहाँ पे है फॉर एक्स इन रेंज टू टू टेन तो देखिए सबसे पहले फंक्शन आपको पता होगा जो रेंज फंक्शन है इसमें जो वैल्यूज हम देते हैं स्टार्टिंग वैल्यू भी दी हुई है और एंड वैल्यू भी दी है तो एंड वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी एंड वैल्यू आपकी नाइन यहाँ पे होगी एंड देन हम प्रिंट कर रहे हैं एंड एंड उसको हम कर रहे हैं स्पेस से ताकि नेक्स्ट लाइन पे ना जाए इसी तरीके से सिंगल लाइन में आउटपुट आपका आए तो देखिए इफ़ एक्स इक्व टू इक्व टू फोर तो कंटिन्यू हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू जो है वो टू प्रिंट होगी तो टू से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो इन दोनों में से कोई एक आपका यहाँ पे करेक्ट आउटपुट जो है वो होने वाला है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले टू देन थ्री देन फोर अब देखिए फोर पे वैसे तो कंटिन्यू है लेकिन कंटिन्यू के बाद कंटिन्यू क्या करता है उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट हैं उनको स्किप करके जो कंट्रोल है वो टॉप पे भेज देता है यानी कि लूप के स्टार्टिंग में भेज देता है तो इसके बाद तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है और प्रिंट स्टेटमेंट यानी कि जब वैल्यू यहाँ पे फोर है उससे पहले ही वैल्यू फोर आपकी यहाँ पे इस स्टेटमेंट की वजह से प्रिंट हो जा रही है तो टू थ्री फोर ये सभी यहाँ पे प्रिंट होगा अप टू नाइन तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी आपका है तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव को तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव हमारा है आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इस कोड का आउटपुट हमने यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है जिसमें दो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स या दो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमारे पास हैं तो सबसे पहले देखिए फंक्शन का हमारा कॉल होगा और प्रिंट स्टेटमेंट आपका चलेगा तो इसमें सबसे पहले फन वन जो फंक्शन का नेम है उसमें टू एंड थ्री हमने यहाँ से जो एक्चुअल आर्गुमेंट है एक्चुअल वैल्यूज़ जो हैं वो हमने यहाँ पे दी हैं तो यहाँ पे देखिए जो आपके डिफ़ॉल्ट वैल्यू हैं ये आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगी एंड ए एंड बी में आपका टू एंड थ्री यहाँ पर आएगा तो टू आपका ए में है एंड बी में आपका यहाँ पर थ्री आ गया यहाँ पे देखिए ए को हमने प्लस वन उसमें किया एक का इंक्रीमेंट किया बी में भी हमने वन का इंक्रीमेंट किया है तो टू एंड थ्री आपका यहाँ पे आते आते थ्री एंड फोर आपका हो गया है एंड देन हम रिटर्न कर रहे हैं ए इन टू बी यानी कि थ्री एंड फोर को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं तो फोर इंटू थ्री या थ्री इंटू फोर आपका ट्वेल्व होता है तो जो रिटर्न होगा वो ट्वेल्व आपका होगा तो यहाँ पे इसकी जगह तो आपका ट्वेल्व आने वाला है देन हमने डायरेक्टली यहाँ पे कॉल किया कोई भी वैल्यू हमने नहीं दी तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी थोड़ा सा सॉल्व आपने इसको करना है तो आपका देन आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब चलेंगी तो आपका वन एंड थ्री है एंड इनमें भी आपका इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू बन जाएंगी आपका टू एंड फोर तो फोर एंड टू या टू एंड फोर भी आपके मल्टीप्लाई होंगे एंड रिटर्न आपका एट होगा तो यहाँ पे ट्वेल्व आपका रिटर्न हुआ था एंड आपका यहाँ पे एट रिटर्न हुआ है तो ट्वेल्व प्लस एट आपका सिंपली ट्वेंटी यहाँ पे हो गया तो करेक्ट आंसर इसका सी यहाँ पे है यानी कि ट्वेंटी इसका करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है देन इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इसको हमने सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखिए सिंपल है इसमें आपको प्रायोरिटीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपका एक्सपोनेंट की होती है तो सबसे पहले यही आपका सॉल्व होगा तो टू की पावर जो थ्री है इसका आपका आंसर यहाँ पे एट बनेगा तो फाइव प्लस एट प्लस सेवन मल्टीप्लाई बाई टू तो देन आपका यहाँ पे प्रायटी होती है सेवन बाई टू की सेवन मल्टीप्लाई बाई टू की तो फोर्टीन प्लस एट प्लस फाइव तो फोर्टीन एंड एट ट्वेंटी टू एंड फाइव आपका ट्वेंटी सेवन इसका आंसर होगा तो इसको आपने केवल यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो इसको भी आप रफ में आराम से कीजिएगा और आपको यहाँ पे प्रायरिटीज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड तो सेक्शन बी जो है मेनली आपको आउटपुट वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ़ द फॉलोइंग कोड इसका आउटपुट हमको निकालना है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पी नाम का जो वेरिएबल है इसमें फ़ाइव हमने असाइन किया देन एक फंक्शन डेप डिस्प्ले हमने बनाया है तो सबसे पहले मेन स्टेटमेंट में हम चलते हैं जहाँ से स्टार्ट होगा डिस्प्ले फ़ाइप यानी कि फाइव यहाँ से हमने वैल्यू सेंड की है एंड हमने कॉल किया तो जो के नाम का वेरिएबल है इसमें फ़ाइव आपका यहाँ पर पहुँचा है यानी कि फ़ाइव इसके अंदर वैल्यू आ गई एंड देन हमने प्रिंट किया है पी को अब देखिए पी आपका एक ग्लोबल यहाँ पे वेरिएबल है लेकिन ग्लोबल कीवर्ड भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है तो ग्लोबल कीवर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे आ, रिमोटली आपका वैल्यू को चेंज करते हैं यानी कि फंक्शन के अंदर से ही ग्लोबल कीवर्ड की मदद से जो मेन आपका वैल्यू है थ्रू आउट द प्रोग्राम वो चेंज हो जाती है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे फाइव आपका हमने सेंड किया तो के में आपका फाइव है तो यहाँ पे फाइव इंटू टू यानी कि टेन आपका पी में आ गया अब यहाँ पे देखिए कंडीशन है अगर पी आपका जो है उसको अगर उसका हम फ्लोर डिवीजन निकालते हैं टू से और फाइव आता है तो उसमें हमने प्लस फाइव कर देना है तो इसमें देखिए टेन का जब हम फ्लो डिवीज़न टू से निकालते हैं तो आपका फाइव ही आपका मिलेगा आपको यहाँ पे मिलता है तो फाइव में ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पे आपका प्लस फाइव हो जाएगा तो पहले तो आपको यहाँ पे पी जो था वो चेंज करके हमने यहाँ पे टेन कर दिया एंड देन उसमें हम प्लस फाइव और कर रहे हैं तो टेन प्लस फाइव फिफ्टीन एंड ग्लोबल की हमने यूज़ किया है तो वैल्यू इसकी चेंज होगी एंड इसको जब हम फंक्शन के बाहर भी प्रिंट करेंगे तो वही वैल्यू प्रिंट होती है तो इसमें वैल्यू जो बनी है फिफ्टीन तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा यानी कि फ़िफ्टीन इसका करेक्ट यहाँ पर आंसर है देन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इसका भी आउटपुट हमने यहाँ पे निकालना है तो इंपोर्ट हमने यहाँ पे किया रैंडम मॉड्यूल को एंड कैपिटल्स के अंदर हमने लिस्ट के अंदर यहाँ पे तीन कैपिटल्स uh, हमने यहाँ पे दी हैं और यहाँ पे देखिए दिल्ली चेन्नई मुंबई एंड देन हमने एक फंक्शन को यहाँ पे रन किया सॉरी एक लूप हमने रन किया और यहाँ पे रैंडमली हम एक नंबर जनरेट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मेनली आपका रेंडेंट है जो अभी ऊपर हमने देखा भी था तो रेंडेंट की जो वैल्यू यहाँ पे हो सकती है या तो वन या तो टू अब यहाँ पे या तो वन इसकी वैल्यू होगी या तो टू तो उसके बाद जो प्रिंट हम कर रहे हैं तो कैपिटल पी यानी कि या तो वन यहाँ पर आ सकता है या तो टू अब देखिए फर्स्ट इंडेक्स नंबर पर यहाँ पर चेन्नई है एंड मुंबई भी है तो अगर रैंडमली जनरेट वैल्यू जो होती है वो वन होती है तो चेन्नई आएगा और अगर टू होती है तो मुंबई आएगा लेकिन डेली कभी भी नहीं आ सकता तो सबसे पहले तो हम डिस्कार्ड यहाँ पर कर देंगे उनको हटा देंगे जैसे डेली है ये नहीं हो सकता आउटपुट में एंड ये है तो ये भी नहीं हो सकता तो बी और सी में से बी और डी जो है इसमें से हमारा कोई एक यहाँ पे आउटपुट रैंडमली जनरेट होगा तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ भी जो आउटपुट हमारा आ रहा है उसके एंड में हैज़ भी है यहाँ पे देखिए मुंबई चेन्नई मुंबई ये आ सकता है और हैज़ भी है यहाँ पे मुंबई चेन्नई मुंबई आ तो सकता है लेकिन यहाँ पे हैज़ आपका नहीं है डी में तो करेक्ट आप जो इसका सॉल्यूशन है आंसर है वो आपका बी यहाँ पे होगा क्यों होगा आई होप आपको आ गया होगा समझ में क्योंकि रेंडेंट जो है ये आपका केवल वन एंड टू यहाँ पे जनरेट करेगा और वो पी में असाइन करेगा और जब हम कैपिटल पी यहाँ पे लिखते हैं तो इसमें या तो वन आ सकता है या तो टू तो या तो चेन्नई आएगा या मुंबई आ सकता है दिल्ली यहाँ पे नहीं आएगा देन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन को हम देखते हैं इसमें भी आउटपुट ही हमको निकालना है तो यहाँ पे देखिए डेटा यहाँ पे एक वेरिएबल है इसमें हमने एक स्ट्रिंग को दे दिया पाइथन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ऐट द रेट एंड एक और हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ली है जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग है तो यहाँ पे फॉर एक्स इन डेटा आप देखिए फॉर एक्स इन सीक्वेंस इसको हम बोल सकते हैं यानी कि पूरा सीक्वेंस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो फॉर एक्स इन डेटा यहाँ पे है अब देखिए एक्स में सबसे पहले क्या आता है आपका पी आएगा यानी कि पहले इंडेक्स नंबर पे जो है देन वाई देन टी देन एच इस तरीके से हर एक एलिमेंट यहाँ पे स्ट्रिंग का आएगा तो हम इन सबको चेक कर रहे हैं कि अगर वो डिजिट है तो इसमें पी की जगह पी तो आपका रहे जो पहले से यहाँ पर प्लस एट यहाँ पर आ जाए जो कि आपका एज इट इज़ आएगा और अगर अपर केस है तो वहाँ पर आपका लोअर बन जाए वरना आपका हैज़ यहाँ पे आए तो सबसे पहले पी जो है ये आपका क्या है ये अपर है तो ये लोअर बन जाएगा तो देखिए यहाँ पे लोअर केस वाले ही आउटपुट आपके हो सकते हैं यानी कि बी सी या डी आपका यहाँ पे आउटपुट हो सकता है देन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो तो आपका है वाई तो वाई आपका यहाँ पे लोअर है तो लोअर के लिए यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं है तो इसमें एल्स वाला पार्ट चलेगा तो हैज़ आएगा तो यहाँ पर देखिए आपके फाइव जो इसके बाद के लेटर्स हैं पी के बाद वो आपका लोअर केस में है तो फाइव हैज़ आपके आएंगे तो इस्माल पी देन फाइव हैज़ तो इसका आंसर आपका सी भी यहाँ पे हो सकता है अभी तक जितना हमने इसको सॉल्व किया है या आपका डी भी यहाँ पे आंसर हो सकता है तो देखिए इसके बाद लास्ट आपका है टू ज़़ीरो टू वन तो टू ज़़ीरो टू वन आपका डिजिट है तो इसमें एट आपका है तो फोर टाइम्स एट भी आपका आएगा देन एट द रेट आपका यहाँ पर ना तो डिजिट है ना पर केस है तो इसमें एल्स आपका चलेगा और हैज़ आएगा तो लोअर इसको आपने लिखना है साइड में आप इसको सॉल्व करेंगे तो पी देन आपका हैज़ देन एट देन फोर टाइम्स एट एंड देन हैज़ तो ये इसका करेक्ट है इसके ऊपर भी करेक्ट है लेकिन लास्ट में उसमें हैज़ नहीं है तो हैज भी यहाँ पे है बिकॉज ऑफ एट द रेट तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी यहाँ पे है देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी आइडेंटिफाई द आउटपुट तो देखिए सेक्शन भी में मैक्सिमम आपको आउटपुट वाले ही यहाँ पे मिलेंगे तो ए यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग हमने लिखा हुआ है और हमने काउंट एक काउंटर यहाँ पे चला दिया जिसकी वैल्यू वन है अब हमने यहाँ पे हर एक एलिमेंट अभी जैसे हमने देखा कि स्ट्रिंग का हर एक एलिमेंट यहाँ पे लूप की वैल्यू बन रहा है तो इसमें भी सेम है तो अपर केस इसमें कितने हैं ये हमने सिंपली काउंट करना है तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे काउंट कर सकते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि लॉजिक आपका यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है तो देखिए अपर केस में यहाँ पर केवल दो ही पी यहाँ पर है तो टू इसका करेक्ट ऑप्शन होगा या देखिए आपका पी है एंड एक तो पी हो गया एंड देन पी हो गया और कोई भी यहाँ पे आपका अपर केस में नहीं है तो सिंपली सॉरी यहाँ पे देखिए काउंट को हमने वन से इनिसलाइज किया है तो काउंट प्लस वन अगर हम करते हैं तो सॉरी टू इसका नहीं होगा इसका थ्री होगा क्योंकि काउंट में ऑलरेडी वन है तो वन प्लस वन टू देन टू प्लस वन थ्री तो इसका थ्री यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा अगर काउंट ज़ीरो से स्टार्ट होता तो टू आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन को हम देखते हैं सपोज द कंटेंट ऑफ टूडे डॉट टी एच टी तो टुडे डॉट टी एच टी हमारी टेक्स्ट फाइल है जिसका ये कंटेंट है जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है तो आउटपुट इसका हमने निकालना है तो देखिए फाइल को ओपन हमने किया सभी को रीड किया और इसकी लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है तो इन सभी को आपने काउंट करना है कि इसमें कितने आपके लेटर्स हैं तो सिंपल वही है कि टोटल आपने केवल काउंट यहाँ पे करना है केवल लॉजिक आपने समझना है कि लेंथ फंक्शन आपका लेंथ हमको यहाँ पे रिटर्न करता है तो यहाँ पे देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग में कितने आपके लेटर्स हैं आप सिंपली इसको काउंट कीजिए तो पाइथन सिक्स तो ये हो गए सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन आई गेस एटीन यहाँ पे है तो इसको आप काउंट कीजिए आई गेस एटीन मेरे यहाँ पे काउंट करने पे आ रहा है तो एटीन इसका करेक्ट होगा क्यों और बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू सपोज द कंटेंट ऑफ टूडे डॉट टी एच डी तो इसका कंटेंट है इसका आउटपुट क्या होगा तो सिंपल सा है कंटेंट इसका दिया हुआ है आउटपुट हमको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा पाइथन प्रोग्रामिंग दिस इज़ द टेक्स्ट फाइल इट स्टोर्स डेटा इन स्ट्रिंग फॉर्म तो हमने रीड किया देन उसको हमने स्प्लिट यहाँ पे किया है देखिए हमने पूरे को जब हम रीड करते हैं तो स्ट्रिंग के फॉर्म में जो सिंगल स्ट्रिंग ये रीड होता है रीड फंक्शन से देन उसको हमने स्प्लिट किया यानी कि ये स्प्लिट जो होता है ये आपका स्पेसेस के बेस पर होता है तो हर एक वर्ड आपका यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा एंड देन हमने लेंथ ऑफ सी यानी कि स्प्लिट करके देखिए पूरी स्ट्रिंग को हमने सी नाम के वेरिएबल में डाल दिया जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में होगा उसके अंदर अलग अलग वर्ड्स होंगे एंड देन उस लिस्ट की हमने लेंथ तो यहाँ पे कैलकुलेट करी तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें कितने हैं ये हमने यहाँ पर काउंट करना है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन तो आई गेस थर्टीन इसका करेक्ट आंसर है थर्टीन इसमें स्प्लिट करने के बाद यानी कि वर्ड कितने बनेंगे केवल कि लॉजिक आपने समझना है तो थर्टीन यहाँ पे वर्ड बनने वाले हैं तो सपोज द कंटेंट ऑफ टूडे डॉट टी एच डी तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है इसमें भी हमने आउटपुट यहाँ पे निकालना है तो इसका आउटपुट हमारा क्या होगा तो देखिए फाइल हमारी ओपन हुई देन रीड हमने किया एंड देन हम अपर केस में यहाँ पे कितने हैं उसको हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं तो देखिए अपर केस में यहाँ पे कितने हैं केवल यही हमने यहाँ पे काउंट करना है तो अपर केस में आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए देन आप डायरेक्टली भी यहाँ पे काउंट कर सकते हैं तो अपर केस में वन टू थ्री एंड भी अपर केस में तो फोर तो फोर इसका करेक्ट आंसर है देखिए अपर केस में कैसे हम चेक कर रहे हैं क्योंकि पी नाम के जो वेरिएबल है इसके अंदर डेटा सारा का सारा आ गया और स्ट्रिंग के फॉर्म में है एंड सी हमारा जीरो से स्टार्ट है और अगर एक्स की वैल्यू यानी कि लूप में हर एक एलिमेंट सबसे पहले पी आएगा देन वाई देन टी देन एच इस तरीके से पूरा आपका हर एक करेक्टर आएगा एक्स के अंदर एंड उसको हम चेक कर रहे हैं अगर ये वैल्यू ट्रू होती है इज एक्स डॉट अपर तो ये हमारा काउंट इंक्रीमेंट होगा तो इसमें केवल फोर हमारे हैं देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड तो इसमें हमको एक नेस्टेड टपल यहाँ पे दिया हुआ है एंड इसमें माइनस टू एंड वन पे हमने हंड्रेड में यहाँ पर चेंज किया तो देखिए वैसे तो टपल में आपका चेंज जो है वो नहीं होता है लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस टू एंड वन में जो इंडेक्स नंबर माइनस टू है सबसे पहले उसमें आपका थर्टी थ्री कॉमा फिफ्टी फाइव यानी का यानी कि जो नेस्टेड लिस्ट है वो यहाँ पर आ रही है और हम एक्चुअल में जो चेंज कर रहे हैं वो हम लिस्ट में चेंज कर रहे हैं तो हंड्रेड हमने यहाँ पर किया तो यहाँ पे देखिए आपका थ्री फोर कॉमा हंड्रेड कामा फोर्टी फोर जो आपका है ये यहाँ पे आपका टपल बनने वाला है तो इसका आप देखिए आउटपुट यहाँ पे सिंपली जो आएगा वन के बाद ये कह रहा है कि सभी चीज़ हमारा आए अब देखिए यहाँ पे जो हंड्रेड है ये तो आपका सॉरी यहाँ पे आएगा क्योंकि नेस्टेड लिस्ट है टू के बाद ये भी आपका वन भी है तो यानी कि ये कहना चाह रहा है कि हम माइनस टू पर जाएँ तो माइनस टू ये पूरा है अब इसमें भी अगर आप वन पे जाएंगे तो ये जीरो इंडेक्स नंबर है ये वन है तो फिफ्टी फाइव के बदले आपका हंड्रेड आ गया तो आउटपुट जो आएगा वन के बाद यानी कि फर्स्ट इंडेक्स नंबर के बाद सभी चीज़ आ जाए तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर आपका यहाँ पे जो है वहाँ से स्टार्ट होगा तो फोर देन थर्टी थ्री देन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर ये आएगा तो फोर थर्टी थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी फोर तो ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा क्योंकि चेंज होने के बाद ऐसा ये बनने वाला है इसको आप आउटपुट में चेक करके देख सकते हैं ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव हम देखते हैं सपोज द कंटेंट ऑफ टुडे डॉट टी एच टी तो टुडे डॉट टी एच टी में सेम ही मैंने यहाँ पे कंटेंट लिया है सभी में तो इसका भी आउटपुट हमको निकालना है तो हमने सारा डेटा रीड किया एंड हमने काउंट किया है इसको तो देखिए जब पूरा हमारा रीड होता है एंड देन केवल हम यहाँ पे अगर काउंट करें इसको तो इस यहाँ पे कितने बार है देखिए इस स्ट्रिंग यहाँ पे कितने बार है इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर यानी कि पूरी एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा क्योंकि हमने रीड से यहाँ पे किया है तो यहाँ पे देखिए इज़ हमारा जो है वो आपका केवल एक बार सॉरी दो बार यहाँ पे एक तो देखिए दिस में भी है दिस जो है इसमें भी इज़ इस आपका एक बार आएगा एंड देन आपका यहाँ पे इज भी है तो ये दोनों ही आपके यहाँ पे आ जाएंगे यानी कि इज जो है ये पूरा आपका आएगा एक बार इज़ यहाँ पे आएगा एक बार दूसरा है तो काउंट हमारा यहाँ पे होगा इज़ ये टू टाइम्स आपका यहाँ पे इज़ है यानी कि सब स्ट्रिंग आपको देखनी होती है एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स सपोज द कंटेंट ऑफ टूडे डॉट ई एच टी तो इसमें भी सेम कंटेंट है एंड इसमें पूछा गया है वट विल बी द डेटा टाइप ऑफ पी इन द फॉलोइंग कोड तो यहाँ पे फॉलोइंग कोड जो है इसमें डेटा टाइप क्या होगा तो ये तो आपको ऑलरेडी आ गया होगा हर बार जब भी हम रीड से करते हैं तो स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा जो है वो यहाँ पे रीड होता है तो इसका करेक्ट आंसर आपका स्ट्रिंग है देन अगेन एक और आपका आउटपुट वाला यहाँ पे है जो कि फाइल से ही है टेक्स्ट फाइल से तो पाइथन प्रोग्रामिंग दिस इज अ टेक्स फाइल तो इसका आउटपुट तो रीड लाइन्स यहाँ पे किया है और रीड लाइन्स के बाद लेंथ पता करनी है तो टोटल लाइन्स कितनी है थ्री हैं तो रीड लाइन्स से जब हम रीड करते हैं तो ये आपका एक लिस्ट के फॉर्म में डेटा को रीड करता है और हर एक लाइन को उस लिस्ट के अंदर एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है तो टोटल यहाँ पे तीन लाइन आएंगी यानी कि एक लिस्ट के अंदर तीन यहाँ पे एलिमेंट होंगे तो लेंथ अगर आप निकालते हैं देन उसकी तो उसमें कितने हैं तीन आपके हैं तो थ्री इसका करेक्ट आंसर आपका है तो सिंपल सा है आपको फंक्शंस से यहाँ पर पता होनी चाहिए देन क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इसका आउटपुट हम देखते हैं तो इसमें भी देखिए ग्लोबल जैसे अभी हमने किया था सेम उसी तरीके से है तो यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रिंट किया है x एंड इक्वस टू हैज़ तो x तो सीधे सीधे प्रिंट होगा क्योंकि सबसे पहले ये वाली ही लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी तो x की वैल्यू अभी फाइव है तो फाइव हैज हमारा प्रिंट होगा देन फंक्शन को हमने कॉल किया तो फाइव हैज़ देखिए फाइव हैज़ से दो आपके यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं तो इन दोनों में से कोई एक आपका आउटपुट होगा देन हमने फंक्शन को कॉल किया तो फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो ग्लोबल अब हम एक्स को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो ग्लोबल में जब हमने चेंज किया तो पहली बार जब चेंज हुआ तो एक्स में फ़ाइव प्लस थ्री यानी कि एट हो गया एंड हमने देन प्रिंट भी किया है तो एट एंड हैज़ तो फाइव हैज़ के बाद एट हैज़ यानी कि ये दोनों में से अभी भी कोई एक आउटपुट हमारा हो सकता है देन हमने प्लस वन कर दिया तो एट प्लस वन नाइन एंड देन फाइनली जब हम एक्स को बाहर प्रिंट कर रहे हैं ये फंक्शन कॉल के बाद तो नाइन हैज़ आएगा तो फाइव हैज़ एट हैज़ एंड नाइन हैज़ ये आपका करेक्ट यहाँ पे आउटपुट है देखिए इसमें थोड़ा सा आपने टाइम लगाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको लिखना इसमें पड़ेगा तब आपको आउटपुट आप वाले या आप इसको या और प्रैक्टिस आप करेंगे तब आपको आएगा और अगर आप चाहें तो इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं तो यही ही आपको आउटपुट मिलेगा फाइव हैज़ एट हैज़ एंड नाइन हैज़ तब हम देखते हैं जो हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन ये होगा सेक्शन बी का और सेक्शन ए और बी यहाँ तो हम कम्प्लीटली डिस्कस कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं केवल ट्वेंटी एंड ट्वेंटी आपको फर्स्ट एंड सेकेंड सेक्शन में करने हैं एंड थर्ड सेक्शन में केवल फाइव आपने करना है तो जो हार्ड लगता है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं पहले जो प्रॉपरली आपको आते हैं वो आपने करना है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इसका आउटपुट हमको यहाँ पे निकालना है तो एक वस्तु टू कॉमा थ्री कॉमा फोर अब देखिए जब हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होता है यहाँ पे आपका इसको हमने पैकिंग यहाँ पे करी या इसमें सिंपली इसको हम टपल बोलते हैं क्योंकि जब हम इस तरीके से देते हैं पेरेंसीसेज तो नहीं लगाते तो ये यह आपका यहाँ पे टपल के फॉर्म में लेता है तो इसको हम पैकिंग भी कहते हैं और यहाँ पे हमने अनपैकिंग कर रखी यानी कि ए में जो एलिमेंट आए उसको पी क्यू आर में हमने यहाँ पर दिया है तो क्यू एंड आर में यहाँ पर थ्री एंड फोर आए होंगे तो दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो थ्री इंटू फोर या फ़ोर इंटू थ्री टाइम्स आपका ट्वेल्व यहाँ पे होता है अगर यहाँ पे कुछ और होता पी इन आर होता तो आउटपुट चेंज होता टू इंटू फोर आपका हो जाता है एट इसका करेक्ट आउटपुट होता तो आई होप आपको ये सेक्शन भी समझ में आया होगा तो अब देखते हैं सेक्शन सी जो कि केस स्टडी बेस्ड आपका क्वेश्चन होता है तो ये क्वेश्चन आपका है आपका सी फाइल से तो यहाँ पे देखिए सी एस बी फाइल में मेनली इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इसी से रिलेटेड तो यहाँ पे इंपोर्ट सी एस बी हमने किया सी एस बी फाइल को इंपोर्ट किया देन हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है एंड यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिसिंग है तो यहाँ पे देखिए राइटर हमने लिखा हुआ है तो राइटर से आपने पहचानना है कि सी फाइल में हम राइट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं यानी कि लिख हम रहे हैं आइडेंटीफाई द सुटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस इन लाइन वन मार्क डैश स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट वन में हमने क्या फिल करना है सिंपली तो हम यहाँ पे राइटर है तो राइटर में यहाँ पे आपका हमने लिखना है तो W मोड आपका आएगा तो B इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा यानी कि हम लिख रहे हैं सी फाइल में देन आपका हमने एक राइटर क्रिएट किया एंड राइटर जब हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा आता है तो ऑब्जेक्ट देखिए ओबीजे हमारा है तो स्टेटमेंट टू में शायद हमारा यहाँ पे क्या आएगा यही हमारा क्वेश्चन है सुटेबल कोड क्या है जो कि हम स्टेटमेंट टू की जगह पे लिखेंगे तो वो ओ बी जी हमारा होगा यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा होगा एंड देन आपका देखिए हेड में यानी कि जो फर्स्ट रो हम बनाते हैं सी एस बी फाइल में तो डब्ल्यू डॉट राइट रो में यहाँ पे देखिए हेड में हमने ये सभी चीज़ दी हैं तो राइट right रो जो कि एक सिंगल रो को लिखने में हेल्प करता है तो यहाँ पे हेड हमने लिखना है तो स्टेटमेंट थ्री में देखिए यहाँ पे हेड आपका ऑप्शन है बिल्कुल है तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है देन आपका नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट फोर में तो यहाँ पे देखिए जब हमने हेडर यहाँ पे बनाया देन एक एम लिस्ट हमने ली जिसमें हम डेटा को रीड कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट का डेटा है ये है तीन स्टूडेंट का डेटा क्योंकि ये लूप के अंदर है तो थ्री टाइम्स ये रीड होगा तो देखिए आर एन एम तीन यहाँ पे वेरिएबल हैं तीनों को एक लिस्ट के फॉर्म में हमने बनाया एंड देन डेटा के अंदर उसको हमने गैदर कर दिया यानी कि कलेक्ट हमने कर लिया एंड देन हम लिस्ट में अपेंड फंक्शन की मदद से अपेंड हम यहाँ पे कर रहे हैं तो फाइनल डॉट अपेंड में या जो लिस्ट हमारी है इसमें अपेंड क्या होगा डेटा आपका होगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट फोर में डेटा आपका यहाँ पे आना चाहिए तो हेड नहीं रोल नंबर नहीं डेटा आपका यहाँ पे आएगा तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेटमेंट फाइव में तो स्टेटमेंट फाइव तो आपका सिंपल सा यहाँ पे है हमने क्लोज यहाँ पे किया है तो हमने फाइल को ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोज़ किया होगा तो देखिए जिसे ओपन किया है उसी से क्लोज़ होगा तो ओ बी से ये ओपन हुआ था तो ओ बी से ही ये क्लोज़ भी यहाँ पे होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ओ बी जे यहाँ पर होगा तो यहाँ पे देखिए फाइल हमारी ओपन हुई थी ओ बी जे से तो फाइल हमारी क्लोज़ यहाँ पे होगी ओ बी जे से ही तो ऑब्जेक्ट को हम डिसकनेक्ट करेंगे या फाइल को हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे तो ओ बी जे से हमारा यहाँ पे सी सॉरी ये आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टी uh, फोर है तो इसका ओ बी जे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ पार्ट ऑफ सी एस बी फाइल तो सी एस बी फाइल का पार्ट इसमें कौन सा होता है तो लोड नहीं होता क्योंकि ये बाइनरी फाइल में होता है रीड भी नहीं होता ये टेक्स्ट फाइल में होता है तो सी एस बी रीडर हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है तो आई होप आपको कम्प्लीटली ये पेपर जो है समझ में आया होगा एंड इसमें से सभी आपने नहीं करने ऑप्शंस आपने देखने हैं और थोड़ा सा जो आउटपुट वाले क्वेश्चन हैं उसमें भी आपने ध्यान देना है थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा लेकिन आपका हो जाता है यहाँ पर